ममता पार्टी के जमाने से चुनावी साक्षी श्री विजय कुमार जी, मंच पर बैठे हुए जितेंद्र जी, मंच पर बैठे हुए साकिब साहब, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद सबू सोनू, मोहम्मद मुमताज, ये हमारे सम्मानित साथी जिसका नाम मैंने लिया, मुझे बहुत खुशी है कि इस बागर पंचायत में मुझे आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई, जिस विचारों से हम चलते हैं, जिस कर्पूरी ठाकुर की याद में उनका शिष्य मैं रहा और जो रास्ता उन्होंने बताया, जो जिस सपना को कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, उस सपना को पूरा करने में मैं इस सप्ताह में दो दो बार कर्पूरी जी के सपनों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी के साथ काम किया, नीतीश कुमार जी के सरकार बनाने में काम किया। मैं मुझे काफी सुख सुविधा था, लेकिन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अखिलेतों के लिए जो सपना देख के हम सरकार बनाए थे, लोगों ने कहा राजनीति का मंजिल कुर्सी होता है, कुर्सी पर बैठ गए हो आराम से रहो, अब राज ऐसे चलेगा। हमारे दल में परिवर्तन की लड़ाई, गरीबों को ऊपर उठाने की लड़ाई हमेशा हमको बेचैन करते रहता था, लेकिन मैंने कहा नीतीश कुमार जी से, आप शांति विचारधारा के पोषक हो, आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के गुंडा एमपी की ओर से राजावराम में खड़ा होकर जय बजरंग बली का नारा देकर मुसलमानों पर हमला कराने के लिए ललकारता है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो राम मनोहर एमएनसी की कुर्सी बदलाव मानता है और हम मुसलमानों के साथ खड़ा होंगे। कौन माई का नाम का अपराध यहां आता है, कौन माई का नाम मुसलमानों में सबसे है, आज हम देख लेंगे। मैं नगर जाना में बेगूसराय के चौक पर खड़ा होंगे, गिरिराज सिंह का खूबसूरत पुतला बनाया, खूबसूरत पुतला, नया नया कुर्ता पुतला को पहना, नया नया कुर्ता, और सबसे पहले लंबा टिकी रखता है, उसका टिकी काट दिए हम, टिकी काटे और उसके बाद कहा पेट्रोल छिड़क के इस आतंकवादी को जला दो, और चर्चने चर्च और कैंटीन चौक पर धूम धू के गिरिराज सिंह जमकर राख हो गया। और मैंने कहा गिरिराज जी हमारे साथ एमएलसी आप रहे हो, हम दोनों बहुत कर रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप जो विनाश की धारा पकड़े हो उस धारा को नहीं चलने देंगे। इसके बाद एक दिन भी मुसलमानों के खिलाफ धरना धरना की बात किया, तुम्हारे जुबान से एक बात भी निकल गया कि मुसलमान पाकिस्तानी है, उस दिन तुम्हारा हम मेटिया मेट कर बगैर बेगूसराय करने नहीं देंगे। एक बात में बहुत अनुशासित आदमी है गिरिराज सिंह,